हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म फॉलोड को, जिसको इनिशियली 2018 में रिलीज किया गया और हम सब के लिए इसको हाल ही में रिलीज किया गया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एंटोन ली ने। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिल्म की शुरुआत में हम एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं, जो कि किसी का लैपटॉप चलाकर उसमें होटल लेनेक्स के हॉन्टेड होने की डिफरेंट न्यूज को देखता है। वहाँ कई सारे सुसाइड्स हुए थे, कई लोग गायब हुए थे, कुछ लोगों का मर्डर हुआ था। जैसे कि कुछ महीने पहले ही एक कोरियन टूरिस्ट मेगन किम की जली हुई लाश बॉयलर रूम में पाई गई थी, और होटल फुटेज को देखने पर ये पता चलता है कि वो लिफ्ट में किसी से डर के भाग रही थी। बट यहाँ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है माइक नामक व्यक्ति, जिसका ड्रॉप द माइक नामक एक चैनल होता है और वो एक हॉरर ब्लॉगिंग चैनल चलाता है। सडनली ये अनजान व्यक्ति माइक के व्लॉग्स को ओपन करता है और ये पूरी कहानी अब माइक और उसकी टीम के इर्द गिर्द घूमेगी। माइक को अब हेलोवीन से दो दिन पहले एक बड़ी कंपनी की तरफ से $2.5 लाख की एक स्पॉन्सरशिप आती है कि अगर वो होटल लेनेक्स में 3 दिन गुजार लेगा तो उसको ये पैसा मिल जाएगा, जिसके लिए वो मान जाता है। बट यहाँ कुछ और भी हिडन कंडीशंस थी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। माइक की टीम में थे उसका बेस्ट फ्रेंड क्रिस, उनकी एडिटर निक, एक सेकेंड एडिटर एंड कैमरा पर्सन डैनी, जिसको क्रिस बहुत पसंद करता था। अब माइक होटल में जाने से पहले लेनेक्स होटल के बारे में लिखी गई किताब के ऑथर वेलेस फ्लेशर से मिलता है, जो कि उसको डेविड ऑलमोस नामक सीरियल किलर के बारे में बताता है, जो कि 1980s में इस होटल में रुका था और उसने वहाँ कई सारी लड़कियों का खून किया था और वो सेटन को भी पूछता था। वेलेस माइक को इस होटल में रुकने से मना करता है, बट वो नहीं सुनता। ये सब सुनकर क्रिस इस होटल में जाने से मना करता है, क्योंकि उसको बचपन में एक छोटे बच्चे का भूत और एक बिल्ली दिखाई देती थी जिसने उस पर हमला किया था, उसी वजह से वो डरा हुआ था। लेकिन डैनी साथ आ रही है ये सुनकर वो चलने के लिए रेडी हो जाता है। माइक अपनी गर्लफ्रेंड जेस से अलविदा लेकर इस होटल की तरफ निकल जाता है, जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी। अब होटल के पास आते ही कैमरा में डिस्टॉर्शन और एक छोटा बच्चा नजर आता है, जिस पर ये ध्यान नहीं देते। एक होमलेस व्यक्ति इनकी कार जबरदस्ती साफ करता है, जिसको ये सब भगा देते हैं, जिस पर वो ये बोलता है कि उसकी विश है वो मर जाए फॉर देयर रूड बिहेवियर। खैर, होटल में एंट्री लेते ही ये सब लोग 14th फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां इनके रूम बुक्ड थे। 14th फ्लोर के जिस रूम में माइक रुकने वाला था, वहाँ उसी खतरनाक किलर ने खूब सारे लोगों को मारा था, एंड ही डिड सम सैटेनिक रिचुअल्स एज वेल। क्रिस इस बात से बहुत डर जाता है, लेकिन डैनी के सामने माचो मैन बनने के लिए वो मान जाता है। ये तीनों एक साथ रुकते हैं, जहाँ पर माइक एक जॉम्बी हेड प्रॉप को रख देता है टू स्केयर क्रिस। ये सब एंजॉय करते हैं। इनकी एडिटर निक उनके साइड वाले रूम में अलग से रुकती है, ताकि वो अच्छे से एडिटिंग कर सके। उसी रात सोते टाइम हम देख पाते हैं कि प्रॉप अपने आप नीचे गिर जाता है और होटल का रूम खुद पे खुद खुल जाता है। ये तीनों होटल के टेरेस पर जाते हैं, जहां ये ड्रोन उड़ाकर कुछ शॉट्स लेते हैं। खैर, अब होटल की छानबीन करते समय इनको बाहर कुछ ड्रग डीलर मिलते हैं, जो कैमरा देखकर इन पर हमला करने आते हैं। डरते हुए ये लोग अंदर आते हैं, जहां ये बेसमेंट की तरफ जाकर उस डोर को देखते हैं, जिसको एक चेन और लॉक से बंद किया गया था। माइक को ये स्पूकी लगता है और वो ये सोचता है कि इससे व्लॉग्स के लिए अच्छी फुटेज आएगी, तो वो ड्रोन को किसी तरह से अंदर रखकर वहाँ का मुआयना करने जाता है, जिस दौरान वो वहाँ ढेर सारी डमीज को देखते हैं और कुछ सीढ़ियाँ उनको ड्रोन शॉट में नजर आती है, जिसके चलते इनका ड्रोन वहाँ फंस जाता है। तभी अचानक से इस होटल का सिक्योरिटी इंचार्ज टोनी इनको पकड़ लेता है, बट थैंकफुली वो माइक के व्लॉग्स का फैन था, जिसके चलते वो बच जाते हैं। और वो माइक को इस बेसमेंट की चाबी लाने का भी प्रॉमिस करता है। अब माइक को पता चलता है कि किम नाम की कोरियन टूरिस्ट यहाँ पर एलिवेटर गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो डिमोनिक वर्ल्ड से इस चीज को रिवर्स कर सके, बट शी एंडेड अप गेटिंग बॉइल्ड। माइक एक्साइटमेंट में सेम गेम ट्राई करता है टू सी कि वो किसी और डायमेंशन में जाता है या नहीं, जिसके चलते उसको किम जैसे दिखने वाली एक स्पिरिट नजर आती है, जिसको वो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को दिखाता है, एंड दे वर श्योर कि वो किम है, बट माइक विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि ये कोई उनका क्रेजी फैन है।
अब इसके बाद उनके डोर पर घोस्टली नॉक होने लगती है, जहाँ पर कोई भी नहीं होता, मीनिंग की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज यहाँ शुरू हो गई थी। माइक ने एलिवेटर गेम खेलकर दूसरा डायमेंशन यहाँ बुला लिया था, बट माइक को ये सब बस किसी की शैतानी लगती है। खैर, अब माइक के पास जेस का फोन आता है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट, जिसके चलते वो बहुत खुश होता है और उसके दोस्त भी। क्रिस अब निक के रूम में उसको चेक करने जाता है तो वो बड़े ही अजीब से वे में रो रही थी और उसकी नाक से खून आ रहा था। वो उसको वहाँ से भगा देती है। क्रिस को अपने रूम में जाते समय हॉलवे में एक भूत दिखता है, जिसकी गर्दन उल्टी हो जाती है और डरते हुए वो चिल्लाने लगता है। लेकिन जब डैनी और माइक वहाँ आते हैं तो उस तरफ कोई भी नहीं था। क्रिस वॉज फ्रीक्ड आउट। वो उस घोस्ट को ढूंढते हुए टेरेस पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको सेटन स्टार सिंबल के बीच में कुछ रखा हुआ दिखता है, जिसके अंदर एक जानवर की जीभ थी एज एन ऑफरिंग। माइक को स्टिल यकीन नहीं होता और वो इस चीज से भी मजे लेने लगता है। क्रिस बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इनफैक्ट इस बार डैनी भी डर जाती है। इस वक्त तक ये सब हम एक अनजान व्यक्ति के थ्रू देख रहे हैं, जिसने माइक के चैनल पर 2 दिन तक के व्लॉग्स अपलोड कर दिए थे और अब वो तीसरा व्लॉग अपलोड करता है, यानी कि हैलोवीन नाइट। अब ये हम जानते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में माना जाता है कि हैलोवीन नाइट पर स्पिरिट वर्ल्ड और हमारी दुनिया के बीच बहुत ही थिन लाइन होती है। खैर, माइक को हॉलवे में एक भूतिया बच्चा नजर आता है, जिसका वो पीछा करता है और जैसे ही क्रिस डैनी उसके पीछे जाते हैं तो माइक गायब हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ दूसरा डायमेंशन भी था, तो ये होटल खुद को चेंज कर रहा था। क्रिस और डैनी इससे पहले माइक को ढूंढते, उनको सीरियल किलर ऑलमोस्ट का भूत नजर आता है, जिसके हाथ में एक हैक्सॉ था जो कि उन पर हमला करने आता है। जब माइक उस बच्चे का पीछा करता है तो वो रूम नंबर 440 के सामने नॉक करता है और जैसे ही रूम खुलता है तो वहाँ से क्रिस और डैनी बाहर आते हैं, एंड वो 14th फ्लोर का रूम था। वो शॉक था और जब वो फुटेज क्रिस डैनी को दिखाता है तो वो भी फ्रीक आउट हो जाते हैं कि 440 रूम के थ्रू वो वहाँ कैसे आ गए। वो सिक्योरिटी गार्ड टोनी से उस रूम में जाकर चेक करता है तो वहाँ पर 2 ओल्ड लेडीज थी और वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। माइक वेलेस को इस होटल के रूम 440 के बारे में जानने के लिए फोन लगाता है तो वो बताता है कि वहाँ पर एक डिटेक्टिव रह रहा था इस केस को सुलझाने के लिए, लेकिन वहाँ 25 दिन तक कोई भी क्ल्यू उसके हाथ नहीं लगा और जब वो घर लौटा तो उसने अपनी वाइफ का घर पर मर्डर कर दिया और अपने दोनों बेटों को इस होटल में ले आया। उसने अपने बड़े बेटे को तो मार दिया, लेकिन उसका छोटा बेटा नीचे बेसमेंट के बॉयलर रूम में भाग गया, जहाँ उसके पिता ने उसका पीछा किया, लेकिन तभी एक मैकेनिक ने आकर उस डिटेक्टिव को मार दिया और वो बच गया। ये सब सुनकर वो अपसेट सा हो जाता है और तभी रूम के अंदर क्रिस पर कोई अटैक करता है। वो चिल्लाता है और देखने पर उसके चेहरे पर खरोंच के निशान थे। ये भूत कोई और नहीं बल्कि वही था जिसको क्रिस ने अपने बचपन में देखा था। क्रिस डरते हुए होटल छोड़ देता है, लेकिन डैनी यहीं रुकती है, जिस दौरान माइक बताता है कि वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड है। वो यहाँ से इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि उसको $2.5 लाख चाहिए, क्योंकि उसको व्लॉग्स के थ्रू इतने पैसे नहीं आते और जैस अब प्रेग्नेंट भी है। अगर जैस को पता चला कि वो पैसा नहीं कमाता है तो वो उसको छोड़कर चली जाएगी, जिसके चलते उसको यहाँ रुकना ही होगा, अदरवाइज उसको ये स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। हमको ये भी पता चलता है कि उसको अपने चैनल पर 50K फॉलोअर्स चाहिए, तभी ये पैसे उसको मिलेंगे। माइक एक स्ट्रेंज बात और कहता है कि उसको ये सब घोस्टली चीजें देखकर खुशी मिलती है, वो एक्साइटेड हो जाता है। ये स्ट्रेंज है बट बचपन से ही ऐसा है। डैनी को ये सब सुनकर शॉक लगता है और उसी रात सोते टाइम हम ये देखते हैं कि इस रूम में उस सीरियल किलर की स्पिरिट आकर इस पूरे रूम को सैटेनिक सिंबल से रंग देती है। यहाँ पर 2 डायमेंशन एक हो गए थे। उसी वक्त वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं, बट तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी उनको देखता है और ये दोनों जब बाहर आते हैं तो वो 440 रूम में रहने वाली एक ओल्ड लेडी को विंडो से नीचे स्ट्रीट पर मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं। और वही मास्क पहना हुआ आदमी इनका पीछा करता है और वो कोई और नहीं वही ड्रग डीलर था जिससे ये शुरू में टकरा गए थे। अब ये दोनों 14th फ्लोर पर आते हैं और वो ड्रग डीलर इन पर हमला ही करने वाला था, तभी क्रिस आकर डैनी को बचा लेता है और वो सिक्योरिटी गार्ड टोनी भी वहाँ आ जाता है, जो कि क्रिस और डैनी को नीचे लेकर चला जाता है, मीनिंग कि अब यहाँ पर बस निक और माइक ही बच गए थे। माइक अब निक को चेक करने जाता है, जो कि विंडो से जंप करने वाली थी।
थी और उसका फेस भी डिस्टॉर्टेड दिखाई देता है, मीनिंग कि वो भी होटल के स्पिरिट्स के द्वारा पजस होने लगी थी। वो उसके पेरेंट्स को बुलाकर निक को उनके साथ भेज देता है एंड नाउ ही वॉज ऑल अलोन। यहाँ पर उसके पास जेस का कॉल आता है कि उसको एक बहुत बुरा ड्रीम आया है और वो चाहती है कि वो उसके पास आ जाए, लेकिन माइक उसका कॉल कट कर देता है और कहता है कि वो नहीं आ सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसे मिलने के लिए उसको बेसमेंट का भी शूट करना पड़ेगा, तभी माइक को एक लेटर मिलता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से था। उसमें इस बेसमेंट की चाबी थी। माइक अब बॉयलर रूम की तरफ जाने लगता है और एक लाइव वीडियो स्ट्रीम करता है, जबकि उसको उसी वक्त वैलेस का एक कॉल आता है जो कि एक बहुत ही शॉकिंग बात को रिवील करता है कि 440 रूम में रुकने वाले डिटेक्टिव का छोटा बेटा वही है जो कि आज से कई साल पहले वहां से भाग गया था, और ये चीज उसके पैरानॉर्मल चीजों की तरफ आकर्षण और छोटे बच्चों को देखकर कुछ याद आने की बातों को एक्सप्लेन करता है। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। तभी उसको कुछ कुछ याद आ रहा था, उसकी मेमोरी सप्रेस हो गई थी। खैर, इससे पहले वो पूरी बात बता पाता कॉल कट हो जाता है। माइक बॉयलर रूम में एंटर करता है और वहाँ पर अपने ड्रोन को देखता है। वहाँ पर ढेर सारी भूतिया आवाजें आने लगती है और वहाँ माइक का लैपटॉप रखा हुआ था जहाँ लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसको देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। वहाँ पर टोनी की एक नोटबुक भी थी जिसके अंदर उसके रूम 1428 की जिक्र थी। सैटानिक सिंबल्स थे और लिखा था ही इज कमिंग, यानी कि सैटन। वो डर के भागता है और एक रॉड को नीचे फेंकता है जिसको कोई शैतानी शक्ति उठा लेती है। उसके ऊपर ढेर सारे इविल स्पिरिट्स आकर हमला करने लगती है जिसके चलते उसका कैमरा गिर जाता है। उसको वहाँ पर टोनी की डेड बॉडी नजर आती है, पर वो लेनेक्स होटल की किसी स्टाफ मेंबर की मदद से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कैमरा में हर चीज डिस्टॉर्टेड नजर आती है, मीनिंग कि अब ये स्पिरिट्स बाहर भी जा सकती है, इंक्लूडिंग दैट सीरियल किलर ऑलमोस्ट। घर वापस जाकर वो एक और लाइव स्ट्रीम शुरू करता है जहाँ पर वो ये अब अनाउंस करता है कि वो अब अपने चैनल से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रहा है एज उसको कुछ चीजें फिगर आउट करनी है, और अब वो चेंज के लिए होमलेस लोगों के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा ताकि वो कुछ पॉजिटिव लोगों को दिखा सके। तभी कुछ ही देर बाद पावर चली जाती है और उसका पूरा घर इविल स्पिरिट से भर जाता है। माइक के सामने टोनी और किम के स्पिरिट्स थी जो कि उसको उसकी फियांसे का कटा हुआ सर तोहफे के रूप में देते हैं, और उसके तुरंत बाद ही माइक गायब हो जाता है। अब हम सब ये देखते हैं कि एक टेरिबल टाइलर नाम का यंग ब्लॉगर माइक के घर को इन्वेस्टिगेट करने की बात करता है और एक वीडियो अपलोड करता है। तभी माइक के अकाउंट से कोई यूजर एक कमेंट उसकी वीडियो पर पोस्ट करता है कि कांट वेट टू मीट यू टाइलर। अब कमेंट सेक्शन में सब पागल होने लगते हैं कि क्या ये रियल माइक है, और बस तभी वो सब कुछ बंद कर देता है और हम ये देखते हैं कि ये यूजर कोई और नहीं बल्कि एक पजस माइक है, और इसको पजस किसी और ने नहीं बल्कि ऑलमोस्ट की स्पिरिट ने करा था जो ये सब कर रहा है, और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये थी फॉलोड फिल्म की कहानी। बेसिकली हुआ ये कि कई सालों पहले डिटेक्टिव अपने दो बेटों का सैक्रिफाइस सैटन को देने इस होटल में आया जो कि ऑब्वियसली उसने ऑलमोस्ट के स्पिरिट से पजस्ड होने के बाद किया। एक बेटे का सैक्रिफाइस ऑलमोस्ट ने दे दिया एंड आई बिलीव कि सैटन या फिर ऑलमोस्ट एंड स्पिरिट्स उसके जरिए इस होटल रूम से बाहर निकलना चाहती थी। अब जब इतने सालों बाद माइक यहाँ आया तो वो रिचुअल पूरा हो गया जिसके अंदर उस सीरियल किलर की स्पिरिट का हाथ था। ये रिचुअल कम्प्लीट हुआ और बस माइक के अंदर डेविल या फिर ऑलमोस्ट ने जन्म लिया। दैट इज माई पर्सनल थियोरी एंड इसके चलते इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, तो उसके अंदर और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मूवी अच्छी थी और देखने में काफी मजा आया। आपको भी अगर फिल्म अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इस मूवी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।